आईपीएल के 23वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को 3 विकेट से हराया। इसी जीत के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है। इसके साथ ही राजस्थान ने पिछले साल का बदला भी ले लिया। आईपीएल के 15वें सीजन के फाइनल में इन्हीं दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया था, जिसमें गुजरात ने जीत हासिल की थी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान की यह पहली जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 50 रन के अंदर 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। शुभमन गिल और डेविड मिलर भी अर्धशतक से चूक गए। शुभमन गिल 45 रन और डेविड मिलर 46 रन बना के आउट हो गए। दोनों खिलाड़ियों को संदीप शर्मा ने आउट किया। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या भी टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने 19 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 20 रन बना के आउट हो गए। 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 13 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी राजस्थान की टीम 4 गेंद शेष रहते ही 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही, लेकिन 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर ने तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। हिटमायर ने 215.38 की स्ट्राइक रेटेड 26 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्के की मदद से 56 रनों की नामात पारी खेली। टीम के कप्तान संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। उन्होंने 32 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा रन 60 रन बनाए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह मुकाबला देखने में आप लोगों को कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।